आज का टॉपिक अपना रहेगा रीड ओनली मेमोरी। इसके पहले हमने पढ़ा था रैम, टाइप्स ऑफ रैम। अब रोम, रीड ओनली मेमोरी को हम शॉर्ट में रोम भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? रीड ओनली मेमोरी मतलब यू कैन रीड द डेटा फ्रॉम दिस मेमोरी, यू कैन नॉट राइट एनीथिंग इनटू इट। इसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं दे आर बेसिकली नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब है कि आपका कंप्यूटर ऑफ है या ऑन है, एक बार इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर कर दी इट विल बी देयर। तो जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो टू स्टार्ट आफ्टर स्टार्टिंग का कंप्यूटर एक प्रोग्राम होता है दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज जो स्टोर होता है उसमें कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम होता है दैट इज कंप्यूटर बायोस, और ये स्टोर होता है रोम, राइट। इट इज कॉल्ड, ये तो स्टोर हुआ, एज वेल एज फर्मवेयर और अदर हार्डवेयर डिवाइस ऑल्सो यूज सच रोम चिप। जैसे आपने वॉशिंग मशीन हुआ, माइक्रोवेव ओवन हुआ, इसमें भी रोम चिप यूज होते हैं। रोम चिप में मैन्युफैक्चरर भी प्रोग्राम डाल सकता है दैट इज कॉल्ड मास्टर रोम। तो दिस इज हाउ इट लुक्स, रीड ओनली मेमोरी चिप डायग्राम ऑफ इट। और मास्टर रोम का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरर ने जब भी इनको बिल्ट किया, आपको डिवाइस दी, उसके पहले इसमें जो प्रोग्राम है इट इज हार्ड वायर्ड इनटू इट, मतलब इट कंटेन्स अ प्री प्रोग्राम्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डेटा। चूंकि इस पे हमने प्रोग्राम पहले से डाला हुआ है, मैन्युफैक्चरर ने, हेंस इट इज कॉल्ड मास्टर रोम। तो बल्क प्रोडक्शन में मास्टर रोम जो है वो कॉस्ट इसकी कम होगी, एंड फॉर मास्किंग एंड ऑल दोस थिंग जो टेक्निक यूज मैन्युफैक्चरर करेगा, यदि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दैट इज एक्सपेंसिव, बट बल्क प्रोडक्शन में मास्टर रोम इज इनएक्सपेंसिव। प्रॉब्लम कहाँ होगी? यदि इसमें जो इन्फॉर्मेशन एक बार स्टोर हो गई तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वी कैन नॉट इरेज, मतलब वी प्रोग्रामर और क्लाइंट कस्टमर कांट डू एनीथिंग इन द इन्फॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन द रोम। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, वॉट एवर वर्ड पैटर्न यू नीड टू स्टोर इन द रोम, और मैन्युफैक्चरर विल फॉर्म अ टेबल, एक स्पेसिफिक टेबल बना लेगा, और अकॉर्डिंगली जो मास्क है, मास्क फॉर द पाथ्स टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट विल बी डन उस टेबल के थ्रू। इसमें ये प्रोसेस जो होती है उसमें जो पैटर्न फॉर्मेशन है, पाथ फॉर्म करना, वो कॉस्टली होगी, तो वेंडर चार्जेस स्पेशल फी फॉर दैट, राइट। ये कहाँ यूज होगा आपका? इट इज यूज फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर स्टोरिंग द रोम बायोस, फर्मवेयर, फॉर स्टोरिंग द प्रोग्राम फॉर वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है कि यदि हमने कोई चेंज करना है तो इट इज नॉट पॉसिबल विथ मास्टर रोम। तो दूसरा जो टाइप ऑफ रोम होता है दैट इज PROM। रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हमें वी कैन हैव अ प्रोग्राम विच कैन बी बर्न इन इट, इट इज कॉल्ड बर्निंग द रोम। और इसमें जो डेटा स्टोर होता है, इस रैम का आप प्रोग्राम तो कर सकते हैं, मतलब यह यदि वेंडर ने आपको दिया तो इट कैन बी प्रोग्राम, बट दिस इज वन टाइम प्रोग्रामेबल। तो गलती से भी यदि आपने इसे जो पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, यदि उसमें कोई एरर आ गया तो पूरा का पूरा वो स्लॉट आपका वेस्ट होगा, क्योंकि एक ही बार इसमें प्रोग्रामिंग पॉसिबल है, राइट। अब डिफरेंस क्या है मास्टर रोम में और प्रोम में? मास्टर रोम में मैन्युफैक्चरर उसमें प्रोग्राम ड्यूरिंग जब रोम बिल्ट अप हो रही है तो प्रोग्राम डाल दिया, और प्रोम में क्या बेनिफिट है, ये एक ब्लैंक मेमोरी है और इस ब्लैंक मेमोरी को बाद में प्रोग्राम किया, सो दैट इज कॉल्ड मास्टर रोम इज कॉल्ड हार्ड वायर्ड रोम व्हाइल इट इज प्रोग्राम्ड। बट द ड्रॉबैक इज इसमें हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो एक ही बार कर सकते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस प्रॉम का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे है? आपके सेलफोन में प्रॉम यूज होती है, वीडियो गेम हुए, वीडियो गेम कंसोल्स में यूज होगी, RFID के जो टैग्स बनते हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, सिर्फ कई इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉम यूज होती है। ये अब चूंकि इसका ड्रॉबैक जो है, हाउ टू ओवरकम द ड्रॉबैक, इसमें एक फिक्स्ड पैटर्न आपने डाल दिया दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, सो अनदर टाइप ऑफ रोम इज EPROM। EPROM stands for Erasable Programmable Read-Only Memory। इसका मतलब है कि इसमें हमने जो पैटर्न स्टोर किया, इफ यू वॉन्ट टू मेक सम चेंजेस इन इट तो हम उसे कर सकते हैं। करने के लिए क्या करना होता है, एक स्पेशल विंडो होगी, कॉर्ड्स विंडो के थ्रू अल्ट्रा वायलेट लाइट्स इसमें डालेंगे फॉर अ लेंथ ऑफ द टाइम। तो इसमें जो भी प्रोग्राम एक बार स्टोर है वो आपका इरेज हो जाएगा, और इरेज करने के बाद प्रॉम के थ्रू हम इसे फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज इसमें जो हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में होती है, एंड दैट चार्ज इज ट्रैप्ड इन इंसुलेटेड गेट रीजन। तो जब भी हमें इसको इरेज करना है तो इरेज करने के लिए हमें जो ड्यूरेशन लगता है वो ज्यादा लगेगा।
टू फॉर इरेजिंग, और दूसरा जब आप इरेज कर रहे हैं, ऑल दो यदि हम इसका बेनिफिट देखें तो इसमें वंस इट इज द चार्ज इज स्टोर्ड और पैटर्न इज स्टोर्ड, इट इज देयर फॉर मोर देन 10 ईयर्स, देयर इज नो लीकेज पाथ. But the thing is, when you want to erase something through it, you need to use ultraviolet light, and that too for the long duration. And जब आप इसे normally use कर रहे हैं तो quartz lid, it will be sealed with a sticker. So जब तक कि हम इसे better rome नहीं थी, such rome is used with EEPROM, is used with Intel 8088, Freescale 68, 8C11. तो इस तरह से इसमें जो program store किया जाता था, right? लेकिन चूंकि इसमें इरेजिंग में टाइम ज्यादा लग रहा था, और इरेजिंग में यू नीड टू इरेज एवरीथिंग फ्रॉम इट, वी डू नॉट हैव एनी चॉइस टू इरेज अ पर्टिकुलर पोर्शन. यदि आपका मेमोरी का एक वर्ड गलत है और मुझे वही उसको वो करना है, और दूसरा कि जब आपको इरेज करना है तो द सिग्नल विच वी आर यूजिंग इज अल्ट्रावायलेट रेज. इससे बेटर ऑप्शन हमें फिर नेक्स्ट क्या आया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. मींस इंस्टेड ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज अब हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज कर सकते हैं इसमें से स्टोर्ड प्रोग्राम को या स्टोर्ड इनिशियल स्टेट में लाने के लिए. इंस्टेड ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज यूज्ड, राइट. अब अनदर थिंग इज कि आप इरेजिंग में भी टाइम कम लग रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज हो रहा है. अनदर थिंग, यू कैन रीप्रोग्राम इट नंबर ऑफ टाइम्स, 10,000 टाइम्स हम इसमें इरेजिंग और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. वन मोर बेनिफिट कि इसमें जो आप प्रोग्रामिंग या इरेजिंग कर रहे हैं, इट टेक्स वेरी लेस टाइम, 4 to 10 milliseconds टाइम इज रिक्वायर्ड टू इरेज इट और टू राइट इन टू इट. वन मोर बेनिफिट ऑफ दिस इज हम एक पर्टिकुलर लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं और पर्टिकुलर लोकेशन के वर्ड को डिलीट कर सकते हैं, एक बाइट को डिलीट कर सकते हैं, रादर देन इरेजिंग द इंटायर वर्ड. सो द प्रोसेस ऑफ रीप्रोग्रामिंग इज ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है. सो दीज आर द सर्टेन बेनिफिट्स, मतलब सिलेक्टेड मेमोरी लोकेशन कैन बी इरेज, इरेजिंग टाइम इज लेस, एंड मोस्टली जो EEPROM है इट इज यूज फॉर स्टोरिंग द कंप्यूटर सिस्टम BIOS प्रोग्राम. इससे बेटर मेमोरी कौन सी आई, इससे भी बेटर मेमोरी आई फ्लैश रोम. फ्लैश रोम जो है, डिफरेंस क्या है, यदि हम EEPROM और फ्लैश रोम में डिफरेंस देखें तो हम फ्लैश रोम में ब्लॉक ऑफ डेटा को इरेज कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ की वन बाइट वी कैन इरेज द डेटा इन द ब्लॉक विद द फास्ट स्पीड. तो फ्लैश रोम जो होती है, आजकल आपने सुना होगा कि बहुत से कंप्यूटर में हम कहते हैं फ्लैश BIOS इट इज यूज्ड, तो फ्लैश रोम जो होता है इट इज मच फास्टर देन EEPROM, एंड इट इज मोस्टली यूज फॉर स्टोरिंग द BIOS प्रोग्राम. इट इज ऑल्सो यूज इन द मोडेम्स. सो दीज आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ द रोम, ROM, masked ROM, then programmable read-only memory, then EEPROM, then EEPROM, then flash ROM. And if we'll compare ROM with RAM, what are the benefits of ROM? What are the advantages of ROM? ROM is stored information is non-volatile. जब तक हम नहीं चाहेंगे, तब तक इसकी information, मतलब whether your computer is on or off, the information stored in it will not be changed even by accidentally. Another thing is, it is cheaper than RAM. Next is, very easy to test. नेक्स्ट इट इज मोर रिलायबल देन रैम. देन स्टैटिक, हमें इसमें कोई रिफ्रेशर सर्किट की जरूरत नहीं है. जैसे आपको डी रैम में बार बार रिफ्रेशर सर्किट से उसके कंटेंट को आपको फिर से चेक करना होता है. नेक्स्ट इसके जो कंटेंट्स है दे आर ऑलवेज नोन, दे कैन इजीली बी वेरीफाइड. सो दीज आर द सर्टेन एडवांटेज ऑफ रोम. द रोम इज, बट द थिंग इज, इन रैम वी कैन रीड एज वेल एज राइट, बट इन रोम वी कैन ओनली रीड. सो द एप्लीकेशन ऑफ सच memory devices where once it is programmed or whatever pattern is there, it will be there whether power is on or power is off. So these both types of the memory, whether RAM or ROM, it comes under the category of the primary memory of the computer. So this is all about of this topic. Next we'll study how the combinational logic circuit of ROM is formed. So this will be covered in the next class.